गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज संडे है तो आज हमारा संडे चर्च का डे होता है, तो हम सब चर्च के लिए जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे अपने मम्मी पापा के पास, दादा दादी के पास, और उनको लेकर फिर हम लोग चर्च चलेंगे। और चर्च में आपको दिखाएंगे कि हमारा चर्च कैसा है। अब हम आ चुके हैं अपने मम्मी पापा के घर, अब उनको लेंगे और साथ में लेके चर्च की तरफ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए अब मिलते हैं चर्च में। SGPGI हमारे लखनऊ का, ये एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो कि अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। एक डिबेट चल रही थी। गाइस, ये है हमारे लखनऊ का कैंट एरिया, और देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है और कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने ऑल सेंस गैरिसन चर्च में। देखिए कितना ही खूबसूरत है और कितना विशाल है, बहुत ही सुंदर। जितना ये पहले हुआ करता था उतना ही आज भी है। और इसके अंदर आते ही, कदम रखते ही, एक दिल को इतनी तसल्ली से महसूस होती है कि जैसे सारे गम बिल्कुल दूर हो चुके, या यूँ कहूँ तो सारी दुख तकलीफ बोझ सब खत्म हो गया हो। दोस्तों, ये हमारा चर्च 100 साल से भी ऊपर पुराना है, ब्रिटिश टाइम का बना हुआ, और इसकी खूबसूरती जैसे पहले हुआ करती थी वैसे ही आज है, मानो कि पुराना टाइम आज भी वहीं थमा हो। दोस्तों, चलिए हम अपने चर्च के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि हमारे यहाँ की वर्शिप कैसी होती है। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने चर्च में। गाइस, ये हमारा चर्च।
दोस्तों, 1912 में बना ये चर्च ब्रिटिश टाइम का 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं इस चर्च को। आज भी इसकी इमारतें उतनी ही मजबूत और खूबसूरत हैं। हम अब जा रहे हैं अपने चर्च के अंदर और हम करेंगे वहाँ पर वर्शिप, और आप देखिए कि किस तरह से हमारे चर्च की वर्शिप होती है। दोस्तों, हम यहाँ पर मिलकर अपनी कलीसिया के साथ एकजुट होकर आपके लिए, अपने लिए और अपने देश के लिए दुआ करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये बेंचें जो बनी हुई हैं, इसमें देखिए बीच में होल्स बने हुए हैं, जो कि पुराने टाइम पर यहाँ पर आर्मी कैंप के लोग, सिपाही लोग बैठकर दुआ करते थे और अपनी राइफल्स इन्हीं बेंचों पर लगाते थे। दोस्तों, आज भी हमारा चर्च कितना खूबसूरत है, और हम यहाँ पर जब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो हमें बहुत ही सुकून महसूस होता है। दोस्तों, जब हम एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं एक साथ होकर, तब हमारे देश में अमन चैन होता है। दोस्तों, आज 18 जून फादर्स डे, जो कि आज हमारे चर्च में फादर्स डे का भी सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी सीनियर्स हैं और जितने भी फादर्स हैं, उन सबको एक साथ मिलकर केक सेरेमनी में शामिल किया गया। और ये है ऑल्सन गैरिसन चर्च का ऑल्टर।